हम लोग जा रहे हैं आज पिकनिक पर, गाना सुनने का हम लोग के। हमें ये पता था गढ़मऊ मुंह पे फोन डाल दो भाई, काफी ऑफ रोडिंग हो रही है मेरी थार में। गढ़मऊ झील ए। तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है यार, देखो छोटी छोटी सी नो कैमरा, और भी ज्यादा प्यारा होता जा रहा है। गाइस ये वो वीडियो है मसाला मिक्स फ्रूट जो की इतना वाहियात है। All right, my Instagram and YouTube family, welcome back to my channel, and you guys are watching Aleem's Good Life. So, आज है एक नया दिन, एक नई शुरुआत। So, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग जा रहे हैं आज पिकनिक पर। आप लोगों ने कल जो व्लॉग देखा था, तो उसमें वैभव, मैं, कुणाल और कार्तिका थे। तो आज वाले व्लॉग में भी हम चार लोग हैं। हम लोगों ने चारों लोगों ने अभी सडनली प्लान बना लिया है, हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। इधर पास में झांसी के पास में एक लेक है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और मैंने ये सारा सामान रेडी कर लिया है, ग्लासेस मैंने ले लिया है, और ये सारा सामान हम लोग लेके जा रहे हैं। और मैं ट्राइपॉड भी लेके जा रहा हूँ ताकि अच्छे से शूट कर पाए। आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, क्लाउड्स थे, एकदम बढ़िया काले बादल हो रहे थे, तो हम लोगों का और मन कर गया था चलो भाई चलते हैं पिकनिक के लिए। और आज हम लोग कार से जाने वाले हैं, तो कार खड़ी है बाहर, और कार्तिका मेरे घर के पास रहती है तो वो आ रही है। ये सारा सामान अपन लेके चलते हैं कार में, चलो भाई लोग। सो कुणाल और कार्तिका आ गए थे और हम लोगों ने सारा सामान ले लिया, चलो भाई बड़ा। सो ये हम लोग निकले घर से, चलो भाई ये आ गए वैभव के घर के बाहर। शीशा बहुत ज्यादा गंदा हो गया है जल्दी जल्दी के चक्कर में। पीछे बैठी है मिकासा अपने सामान के साथ खेल कूद कर रही है। क्या हुआ, मुंह पे फोन डाल दो। Love you guys. वैभव गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई थी, तो फटाफट से एक कपड़ा मार लेते हैं जब तक वैभव के घर के बाहर खड़े हुए हैं। सुना भाई पैसे लगेंगे अब तुम्हारे। वैभव जल्दी आओ, मौसम चेक करो फ्रेंड्स, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। पिकनिक जोन गाइस, देखो क्या क्या है। तो एक रियल जूस का डिब्बा आ चुका है, कोका कोला आ चुकी है, और केले वेले सब आ चुके हैं इसमें। ऑन 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 ऑन, चलो चलो जल्दी बैठो। निकल आए थे झांसी, हम लोगों ने छोड़ दिया है। So, देखिए आप लोग भाई, गढ़मऊ झील is 7 kilometers away from here. और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भाई हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए हैं, और जो दो लोग सामान लेकर नहीं आए हैं वो है एक ये व्यक्ति और एक ये मोटा सा बच्चा बैठा है। जो जब इन लोगों को पता चला कि अपन पिकनिक पे जा रहे हैं, तो इनका रिएक्शन था वाओ पिकनिक पे जा रहे हैं। लाइक जब ये लोग आए पिकनिक पे तो इनके पास कुछ नहीं था, फिर हम लोगों ने इनसे पूछा कि पिकनिक पे आ गए हैं आप लोग और कुछ लेकर नहीं है, क्यों? तो ऐसा क्यों करा आपने कुणाल भाई, पिकनिक पे आ गए और बिना सामान के आए आप, क्या रीजन है, क्या रीजन है हमारा? हाँ कार्तिका तुम बताओ, तुम सामान लेके क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें पता ही नहीं वो सामान लाते लाते। अच्छा, और तुम्हें क्या पता था कि अपन कहाँ जा रहे हैं, क्या पता था तुम्हें? तो गढ़मऊ क्यों जा रहे थे ये तो बताओ, सामान लेकर आने वो लाई थी रास्ते में। एक तो यार तुम लड़की, यार लड़कियों का तो काम ही यही है यार कि वो खाना लेकर आए और देखें कि ये सब अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम ही कुछ लेकर नहीं आए, हम लोगों को हमें भाई क्यों बोलते हैं, हम लोग हमें भाई क्यों बोलते हैं? यू हैव ब्रो ब्रो। और फिलहाल भाई आप सनसेट चेक करें भाई, कितना मस्त यार, एकदम मस्त क्लाउडी क्लाउडी वेदर हो रहा है। तुम लोग कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं भाई? बिरयानी वगैरह लेनी थी शायद तुम लोगों को। बिरयानी ये कब हुआ? देख रहे हो फ्रेंड्स, बिरयानी की बात चल रही है यहाँ पे। ओनली वेज। गाइस मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वरना प्ले करके सुना देता। भाई कितना प्यारा व्यू लग रहा है, देखो आसपास कितने प्यारे प्यारे पेड़ लग रहे हैं, और भाई रास्ता क्या यार, भाई क्या यार, क्या बात है। इधर फोटो शूट तो बनता है यार, रोक लेंगे गाड़ी थोड़ी देर। सो ये आ गया है गढ़मऊ झील का बोर्ड जो कि है 3 किलोमीटर, और यहाँ पे क्रॉसिंग भी आती है। ये क्रॉसिंग एक्चुअली में कहाँ जाती है, ये दिल्ली वाली क्रॉसिंग है क्या, दिल्ली जाती है कानपुर? यस यू आर राइट। गाड़ी नीचे ना गल जाए, थोड़ा तिरछा करके निकालेंगे भाई। बस एक ट्रेन का इंतजार और है भाई, एक ट्रेन आ जाए इधर पर। अभी हाल ही भाई पे देखा किसी ने भाई, डंडी गिरी थी, देखी थी डंडी गिरी थी ऊपर से भाई। ये व्लॉग ये अरे रुक जा यार एक सेकंड। सो गाइस इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत प्यारे सिनेमैटिक्स दिखाने वाला हूँ, तो गाइस जरूर एंजॉय करना। तब मैं सनसेट देख रहा हूँ, तब तक आप सिनेमैटिक्स देख लीजिए। सो सिनेमैटिक्स देखते हैं इन 3 2 1। आ चुके थे गढ़मऊ झील में, तो ये रहा व्यू गढ़मऊ झील का। वाओ मेरा थैला, मेरा थैला, मेरा थैला।
उसको वापस से गाड़ी में डाल देते हैं, उससे पहले की चीज अपनी उड़ जाए। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं। ये रहा रियल का फ्रूट जूस जो कि हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। वो अपनी बतख को घुमाने लाए हैं यार दो। क्या ही बात है। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा मोमेंट एंजॉय करेंगे हम लोग अभी इधर पर आकर। सीरियसली बहुत प्यारी लोकेशन। बाकी दो बतख जो मैं अभी बात कर रहा था वो दोनों देखो छोटी छोटी सी वहाँ घूम रही, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो छोटी छोटी सी दो बतख घूम रही है। कमेंट करो क्या 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 बोला, क्या बोल रहे? नो कैमरा प्लीज। यार तो मगरमच्छ बने तो वीडियो मेरे पास दिखाओ। सो गाइस जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है सनसेट और भी ज्यादा प्यारा होता जा रहा है। और ओए सनसेट ब्लॉक कर रहे हो तुम, बैठ जाओ। सूर्य ग्रहण इधर की एक पुरानी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो आज से करीब एक या डेढ़ साल पहले हम वैभव शिवम कुणाल हम लोग सब लोग दोस्त लोग इधर पर आए थे और हमने क्या हरकत करी थी। गाइस ये वो वीडियो है, इसको थोड़ा पीछे कर लेता है। गाइस मैं इधर पर झांसी में गड़मऊ झील पे आया हुआ था और मेरे को इधर पर एक मगरमच्छ देखने को मिला है, आइए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये कुछ मेरी पुरानी यादें हैं यार, आप लोग देख सकते हैं भाई मैं बहुत फनी हुआ करता था। तो गाइस इन सब चीजों को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये पहले मैं हुआ करता था, अब वो सब कुछ नहीं है, पुरानी यादें हैं, बस एंजॉय करते हैं मोमेंट को। और मैं अपना लैपटॉप भी लेकर आ गया था, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बढ़िया सा गाना सुनने का, हम लोग प्लान कर रहे हैं। कौन सा गाना सुनेंगे आज? हम लोग अनूप जैन सुनने वाले हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर। अरे ये क्या कर रही है यार, अरे ये क्या कर रही है, देख ली भाई हमने तुम्हें फेंकते हुए, काय को फेंक रही है? अच्छी नहीं है। क्यों भाई वैभव लेकर आया अच्छी भाई, एक्सपायर्ड ले आया उसके फोन के ऊपर नहीं करो यार। गाइस ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है यहाँ पर मेरे साथ। मैं आपको बता दूं भाई ये कोई सा ऑरेंज मसाला जूस था, मसाला मिक्स फ्रूट जो कि इतना वाहियात है, सीरियसली गाइस कभी मत लेना। ये वाला ये है पैकेट, मैं दिखाता हूँ गाइस, ये चीज कभी भी मत लेना भाई, इतना बुरा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा ये जूस का, अभी हम दिखाते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा। लेकिन कुणाल भाई सेट क्यों, मुझे पीने पीने को नहीं मिली यार, मैं नहीं पीता गाइस आज तक नहीं पिया। लो चोको किस कुकी, मैं हेल्दी चीजें नहीं खाता, बहुत हेल्दी। भाई लोग हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं अपना खाना पीना सब कुछ। सो गाइस हम लोगों ने सिर्फ बिस्किट्स खाए और बाकी सब तो शो ऑफ करने के लिए लाए थे, सच बता रहा। बाकी केला तो मैंने ही अकेला केले खाए हैं और कोल्ड ड्रिंक और जूस ही हम लोगों ने पिया। बाकी करते हैं रैप अप फटाफट से। तो फ्रेंड्स पहले फोटो शूट करा ले वरना सनसेट हो जाएगा, तब तक आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो इधर का। So all right, मेरी पब्लिक। So हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और सामान हम लोगों ने रख लिया है, रख क्या मतलब सामान हम लोगों ने पैक कर लिया और बाकी ये लोग अभी फोटो शूट वगैरह करा रहे हैं, तो आइए देखते हैं जरा ये कैसा फोटो शूट करा रहे हैं। फोटो क्यों ले रहा मेरी? ये कैसा फोटो शूट हो रहा है यार, कि गुस्सा ही हुआ जा रहा है यहाँ पर। हाँ भाई ये कैसा फोटो शूट हो रहा है यार यहाँ पर।
सो गाइज अभी थोड़े टाइम बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोग मे बी बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल पे पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे सेम प्लेस पे और थोड़ा पानी के पास। हम लोगों ने अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है और पानी के पास भी है ये लोकेशन। बाकी कमेंट सेक्शन में सब लोग जल्दी जल्दी बता देना कि कौन कौन इस प्लेस पे आना चाहता है हम लोगों के साथ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग यहाँ पे पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे मैं स्टोरी लगा दूंगा, बाकी अपन सब लोग थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर आएंगे, बढ़िया शूट करेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे और इधर पे सेम जगह पर। सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है गाइज आप लोग सब लोग सुन लो, अपन बहुत जल्दी इधर पे पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे और ये लोकेशन रही अपनी। चलो सारा सामान उठा लो। तो यार कीमती थैला इज बैक जो कि उड़ गया था अभी थोड़ी देर पहले। अरे इसमें अपना सामान रखो जो तुम्हें घर ले जाना है, अपनी कोल्ड ड्रिंक भी रख लेना तुम इसी में, रख दो कोल्ड ड्रिंक। सो ये वैभव का सामान है सारा, रख दो ये रख देना। चादर झाड़ ली और कुछ छूट तो नहीं रहा है? एक बार लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं, कुछ सामान छूट तो नहीं रहा है? कुछ नहीं है यहाँ पर, चेक कर लिया। बाकी मैंने जो बताया था भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो निकलते हैं अब यहाँ से, अंधेरा हो रहा है और हम लोग टाइम से पहुंच भी जाएंगे थोड़ा सा। बाकी गाइस जो लोग नए आए थे वो लोग सब्सक्राइब कर लेना अपनी YouTube चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना YouTube चैनल को अपने। तो चलिए चलते हैं। तो मोटे बच्चे तो पहले घर जाएगा ना। सो यहाँ से हम लोग आए थे। सो भाई काफी ऑफ रोडिंग हो रही है मेरी थार में, थार भी आएगी इधर पे अपनी। सो गाइस मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ वैभव, कुणाल और कार्तिका तीनों लोगों का। हम लोग जो ये पिकनिक सक्सेसफुली कर पाए इन लोगों के बिना नहीं कर पाते, ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं स्टार्टिंग से ही। कभी फ्री हो गए कार्तिका की मैं स्टोरी जरूर सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। कार्तिका और मेरी पहले बहुत बुरी लड़ाई भी हो चुकी है, और कार्तिका जब क्लास सिक्स में थी उसने मुझे बहुत बुरा, सेकंड क्लास में मुझे इसने पिटवाया था सर से। गाइस गैस कर दो, स्टार्टिंग से ही ऐसी सी है, विदा देती है। बाकी हम लोग इधर से निकल और अंधेरा भी हो चुका है, गाड़ी चलाने में फोकस करते हैं। आप लोगों से बात करें, खोल ही नहीं पा रही हूँ, खोल लिया ठीक है छोड़ दो। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं वापस से घर और इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम लोग यहीं पे खत्म, और कार्तिका जा रही है अपने घर, वैभव और कुणाल भी जा रहे हैं अपने घर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। रहना तो छोड़ेंगे नहीं क्या तुम लोगों को?